पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने पर कांग्रेस के आंदोलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार में कमलनाथ ने रेट घटाने के बजाय रेट बढ़ाए थे, उन्हें किसने अधिकार दिया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, लगातार कोरोना के क्षेत्र में राहत की खबरें आ रही हैं। आज 393 केस सामने आए, रिकवरी दर 98.2 हो चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 79,000 टेस्ट कल किए गए। अब कोशिश है कि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करें। कांग्रेस के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। कमलनाथ ने रेट घटाने के बजाय पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ाए थे, उन्हें किसने ये अधिकार दिया था। शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से पीएम मोदी की तारीफ करने पर मिश्रा ने कहा, सांच को आंच नहीं रहती, सत्य परेशान हो सकता है परास्त नहीं। संक्रमण दर 0.5% से भी नीचे आ गई है, -5% संक्रमण दर है। वहीं रिकवरी की हम देखेंगे तो वो 98.2 हो गई है, मतलब 98 पॉइंट से भी आगे हम निकल गए हैं। हमारा ये कोशिश है कि शनै शनै लॉकडाउन, अब कोरोना कर्फ्यू, अब उनके साथ में क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ में बैठ के करके अब हम आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करें। मैंने पहले भी आपसे प्रार्थना की थी, जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना। वो कांग्रेस को अधिकार किसने दिया जिसने अपने घोषणा पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का कहा था, और कम तो नहीं किए, बढ़ा और दिए थे। सरकार में मध्य प्रदेश में आए कमलनाथ जी और उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की घोषणा की और बढ़ा दिए थे, उसको ये अधिकार किसने दिया है? ये पब्लिक है, सब जानती है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती। जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं वो ही रह जाते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।